आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग बात करेंगे लास्ट मिनट प्रिपरेशन टिप्स फॉर IBPS SO 2017। देखो, आपने जो अभी तक किया इस एग्ज़ाम को लेके, जितना आप कर सकते थे वो काफ़ी है। अगर आपने उस लेवल तक पढ़ाई नहीं की है, आपको ऐसा मन में लगता है, क्योंकि जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता आपको मन में हमेशा लगता रहता है कि ये छूट गया वो छूट गया। ठीक है, तो इसका आप जांच कैसे होगा कि आप क्या छूटा नहीं छूटा? आप उस चीज़ को मन में दोहराओ। जो भी क्वेश्चन आपको लगता है कि मुझसे छूट रहा है, आप एक बार उस क्वेश्चन को देखो और मन में उसको गो थ्रू करो कि कैसे कैसे है वो क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप मन में कर लेते हो वो सब चीज़, तब समझ लो कि आपका प्रिपरेशन हो चुका है। और अगर लास्ट मिनट में भी आपको बुक खोलने की ज़रूरत पड़ जाती है, तब तो मुश्किल हो सकता है एग्ज़ाम में। ठीक है, हाँ ये हो सकता है कि कुछ आप थोड़ा बहुत मिस कर रहे हो क्वेश्चन को। ठीक है, मतलब बोला जाए जैसे कि अगर आप कोई फॉर्मूला हो उसको आप स्किप कर रहे हो, भूल रहे हो थोड़ा बहुत, तो आप लास्ट मिनट में कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको अगर चीज़ें समझ में नहीं आ रही है कि एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, तब मुश्किल हो सकता है आपको। ठीक है, तो अगर आपको मुश्किल होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो बहुत बढ़िया है। अगर आपका पूरा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया हो, आप कॉन्फिडेंट हो कि मैं कर लूँगा इस एग्ज़ाम को, तो बहुत बढ़िया है। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस आपको नहीं करना है। ओवर कॉन्फिडेंस में आप क्या करते हो, जो इजी क्वेश्चन होता है, ठीक है, जो इजी क्वेश्चन होता है उसको भी आप इतना फास्ट बनाने लग जाते हो कि आपसे वो गलत हो जाता है। फास्ट बनाओ, कैलकुलेशन भी में भी स्पीड रखो, लेकिन इतना भी आप कॉन्फिडेंट ना हो जाओ कि मैं जो कर रहा हूँ इस क्वेश्चन में एकदम सही जा रहा है। ठीक है, मन में हमेशा बना के रखो कि ये एक एग्ज़ाम है, वो आपको जज करने के लिए, आपको क्वालिफाई करने के लिए, आपका सिलेक्शन करने के लिए आपको एग्ज़ाम ले रहा है। वो आपको इतनी आसानी से हर क्वेश्चन को नहीं दे देगा कि आपसे हो जाए। देखो, एग्ज़ाम का क्वेश्चन कैसे होता है, अगर 100 क्वेश्चन है IBPS SO में, कितने क्वेश्चन है, 50-50 उसके, और 150 क्वेश्चन है। तो टोटल सब्जेक्ट वाइज मैं बात करूं, जैसे इंग्लिश में मान लो 50 क्वेश्चन है, ठीक है, रीजनिंग में भी 50, मैथ्स में भी 50, तो 50 में से 3 पार्ट में क्वेश्चन होते हैं। एक इजी पार्ट रहता है, जो कि जो बंदा थोड़ा बहुत भी पढ़ा है वो भी इस इजी पार्ट को कर लेगा। एवरेज, एवरेज जो नॉर्मल स्टूडेंट अगर उस कॉन्सेप्ट को सही से नहीं पकड़े हैं, थोड़ा बहुत पकड़े हैं, तो वो एवरेज क्वेश्चंस कर लेंगे। और टफ सेक्शन में क्या होता है, एग्जाम वो ऐसा क्वेश्चन सेट करता है, या तो आप इसमें आप पूरा टाइम लैप्स करने लगोगे, ठीक है, आप बहुत कोई से क्वेश्चन हो भी जाएगा टफ वाले भी, ठीक है, लेकिन आप उसमें इतना टाइम लगा दोगे कि ये इजी पार्ट आपसे कवर नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपके मन में हो जाएगा ईगो टाइप से हो जाता है एग्ज़ाम में। जैसे ही आप बैठते हो, अगर आपका रीजनिंग का एक पजल नहीं बना, एक बार में अगर गलत हो गया, तो बहुत कोई को रहता है कि वो स्किप नहीं करते उसको, फिर से उसको बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। अगर आपसे एक बार में वो क्वेश्चन क्लिक नहीं हुआ तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ सकते हो। देखो, हर एग्ज़ाम में आप हर क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, ये एकेडमिक एग्ज़ाम नहीं है कि आपको हर क्वेश्चन करना है, ठीक है, ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। आप जितना जल्दी जितना ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हो, किस लेवल का क्वेश्चन कर रहे हो वो कोई नहीं देखने वाला है। आप इजी क्वेश्चन ही पूरा कर जाओ, एवरेज क्वेश्चन कर जाओ, टफ क्वेश्चन को आप रहने दो। अगर आपके पास टाइम होता है तब इस सेक्शन को आप टच करो, आपको क्वेश्चन देख के भी समझ में आ जाएगा। बहुत क्वेश्चन होता है कि आप एक बार पढ़े आपसे तुरंत माइंड में आ जाता है कि ऐसे ऐसे करना है। बहुत क्वेश्चन होगा कि आप एक बार पढ़े तो आपको समझ में ही नहीं आता है क्या हो रहा है, क्या पूछना चाह रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हो। 100% अगर सोचोगे बना देंगे तो ये तो इम्पॉसिबल है। मे बी 1000 स्टूडेंट में अगर 1% चांस होता है कि वैसा स्टूडेंट अगर हो जाए कर ले वो, लेकिन आप उसके पीछे मत भागो कि वो टफ सेक्शन भी मुझे करना है। आपको वहाँ पर ईगो नहीं शो करना है, फर्स्ट बात ये है, आपको ईगो शो नहीं करना है आपको, ठीक है।
ईगो आप जहाँ पेपर में दिखाए तो आप समझ लो कि आप टफ वाले क्वेश्चन आपसे होंगे, आप क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको सब कुछ आता है, आपसे क्वेश्चन होगा, लेकिन अगर टाइम आप वहाँ पर ज़्यादा दे रहे हो तो आप अपना लॉस कर रहे हो। ठीक है, अगर मैं इंग्लिश सेक्शन की बात करूँ, प्री में तो तीन ही सेक्शन आते हैं, मेंस में मैं डिटेल्ड बात करूँगा कि आपको किस टॉपिक को कैसे कवर करना है। देखो, इंग्लिश में आपको प्रैक्टिकल अप्रोच रखना होगा। अगर आपने डेली एडिटोरियल पढ़ा है, कुछ नहीं तो अगर 2 मंथ का भी एडिटोरियल आपने पढ़ा है, ठीक है, और लास्ट आप जो अभी SBI 2017 का जो एग्ज़ाम हुआ PO का, उसका क्वेश्चन कर लो। ये लास्ट मिनट में मैं आपको बोल रहा हूँ, आप उसका क्वेश्चन कर लो अगर अभी तक नहीं किए हो तो। IBPS का कर लो, ठीक है, RRB का भी कर लो, ठीक है। ये 3 एग्ज़ाम अभी हुए हैं PO लेवल के, अगर बोले जाए तो ये 3 एग्ज़ाम हुए हैं अभी। क्लर्क की मैं नहीं बोलता, क्लर्क आप छोड़ सकते हो। अगर आप ये तीनों कर जाते हो बढ़िया से तो आपको फिर क्लर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ जाती है, ठीक है। ये 3 एग्ज़ाम का आप क्वेश्चन आप इजिली आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं होता है तो आप कमेंट करो, मैं इसका क्वेश्चन आपको दे दूंगा, ये तो तुरंत आपको किसी वेबसाइट पर मिल जाएगा। आप ये 3 साल नहीं बोलता, मतलब ये 3 पेपर आप कर लो, क्योंकि पैटर्न आपको इससे पता चल जाएगा कि इस ईयर में क्या ट्रेंड है क्वेश्चन का। और अगर बोला जाए तो इंग्लिश सेक्शन में आपका लेवल तो जांच होता ही, इंग्लिश आपको कैसा है, लेकिन उसमें एक और होता है, अनएक्सपेक्टेड आपको क्वेश्चन आ जाते हैं। अनएक्सपेक्टेड मतलब आप जैसे नॉर्मल रीजनिंग, ये एरर डिटेक्शन वो क्वेश्चन देखते हो, होता क्या एग्ज़ाम में कि वो क्या करता है, जैसे 5 पार्ट में है, ठीक है, वो क्या करेगा, 4 पार्ट को गलत कर देगा और आपको बोल देगा कि एक जो करेक्ट पार्ट है उसको बताओ। अगर आपने क्वेश्चन सही से पढ़ा नहीं तो आप क्या करोगे, आप तो मन में यही सोचोगे, आप हमेशा से यही देखे हो कि एरर डिटेक्शन में एरर फाइंड करना रहता है, आप शुरू वाला लाइन पढ़ोगे, हाँ यहाँ एरर है, आप टिक कर दोगे और यहाँ पर आपका मार्क्स चला जाएगा, टाइम भी गया मार्क्स भी गया। इसलिए थोड़ा सा 20 सेकेंड आपको ज़्यादा लग जाएगा, क्वेश्चन आप बढ़िया से पढ़ लो उसके बाद आप क्वेश्चन करो। तो एक बार अगर आप क्वेश्चन सही से पढ़ लेते हो ना, तो एरर डिटेक्शन का उसके नीचे 10 क्वेश्चन रहता है, आप 10 क्वेश्चन में कहीं गलत नहीं होगे। और अगर आप ये 20 सेकंड यहाँ पर सोचोगे कि मैं जल्दी कर लेता हूँ, तो 20 सेकंड के चक्कर में आप पूरा 10 का 10 क्वेश्चन गलत कर सकते हो। इसलिए आप जो क्वेश्चन का हेडिंग है वो बढ़िया से पढ़ लो, ठीक है। और अगर आपके पास अवेलेबल हो प्रैक्टिस पेपर IBPS SO का प्रीवियस ईयर का, प्रैक्टिस पेपर मतलब ये नहीं कि जो बुक्स लाते हैं वो अपने से बनाते हैं वो वाले नहीं, प्रीवियस ईयर्स का जो IBPS SO का पेपर आया है, 16 का, 15 का, ठीक है, 2016 का, 15 का, 14 का, ये 3 साल का आप कर लो, इसके बाद नहीं लगता कि आपको दिक्कत होगा। क्वेश्चन घुमा फिरा के इसी कॉन्सेप्ट में से घूमते रहते हैं, ठीक है। अगर आप इन सारे को कर जाते हो, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में IBPS SO की बात छोड़ो, अगर किसी भी एग्ज़ाम का लास्ट ईयर का पेपर बनाते हो 10 साल का, इवन टफ से टफ एग्ज़ाम भी हो तब भी आप सक्सेस पा लोगे, लेकिन ढंग से बनाते हो तो। बनाने का मतलब ये नहीं कि रटे मेथड से ऐसे ऐसे होता है ऐसे ऐसे होता है कर लिए, उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पकड़ो कि मैं जो जानता हूँ कॉन्सेप्ट उससे वो बन रहा है कि नहीं। अगर आप हर क्वेश्चन में नया नया कॉन्सेप्ट सीखते जाओगे तो आपको दिक्कत हो सकता है एग्ज़ाम में। आप एक चैप्टर का एक ही कॉन्सेप्ट सीखो, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट से आपको क्या होगा, आप इधर उधर सोचने की कोशिश ही नहीं करोगे, आप उसी चीज़ में आप तुरंत आपका माइंड वहाँ जाएगा कि इस कॉन्सेप्ट का ये चैप्टर का ये कॉन्सेप्ट है, इससे ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट आप एक सीखो, अपना ईगो मत शो करो एग्ज़ाम पेपर में, ठीक है। और ये मत सोचो कि मेरा बगल वाला मुझसे ज़्यादा बना रहा है, मुझसे ज़्यादा पेपर मांग रहा है एग्ज़ाम हॉल में, तो ज़्यादा बढ़िया कर रहा है। आप जितना कम पेपर लोगे, मैं जहाँ तक मानता हूँ, आप जितना कम पेपर लोगे आप ज़्यादा उतना अच्छा करोगे। जितना ज़्यादा आप कम रेफर करोगे, आप सारा कैलकुलेशन माइंड में करोगे, तो आप ज़्यादा उन लोग से आगे बढ़ोगे। माइंड में कैलकुलेशन करने से क्या होगा, एक तो आपका टाइम बचेगा, लिखने का भी टाइम बचेगा, ठीक है, और आपका माइंड भी हमेशा शार्प रहेगा,
आप क्वेश्चन देखते के साथ तुरंत आंसर करने का भी कैपेबिलिटी हासिल कर लोगे। ठीक है, देखो इंग्लिश में आप 2 घंटे का पेपर है, सेक्शनल कट ऑफ तो है नहीं एग्जाम हॉल में। ठीक है, अगर जिनका इंग्लिश बढ़िया है तो इंग्लिश में आप स्कोर कर सकते हो। इंग्लिश ऐसा पेपर है कि अगर आप चाहो तो इस 50 क्वेश्चन में से 50 भी बना सकते हो, और अगर आप एवरेज हो तो आपको कम से कम तो 25 क्वेश्चन बनाना होगा अगर आपको बढ़िया स्कोर लाना है तो। कट ऑफ का लेवल में रहना है तो भाई फिर तो आप 15-18 भी करोगे तो हो जाएगा, लेकिन अगर आपको लेवल क्रॉस करना है तो कम से कम 25 क्वेश्चन से ज़्यादा आपको करना होगा। अगर टाइम ड्यूरेशन अगर बात किया जाए, टाइम आपको कितना देना चाहिए इंग्लिश में, ठीक है, तो आप यहाँ पर दे सकते हो 25 से 30 मिनट आप दे सकते हो, 2 घंटे का पेपर है तो। ठीक है, 25 से 30 मिनट इंग्लिश के लिए काफ़ी है, अगर आप इससे ज़्यादा दे रहे हो तो आगे रीजनिंग और मैथ्स में आपको दिक्कत हो जाएगा। 25 से 30 मिनट आप बढ़िया से दो। पहला जो आपको सीक्वेंस में क्वेश्चन दिखे, जैसे क्लोज टेस्ट आया, ठीक है, क्लोज टेस्ट आप एक बार में आपको 10 क्वेश्चन बनेगा उसमें। अगर 5 क्वेश्चन आता है, यहाँ पर 50 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन आना चाहिए, 10 का 10 क्वेश्चन आपसे तुरंत बनेगा। ठीक है, आपको अलग अलग हर सेंटेंस के लिए लाइन नहीं पढ़ना पड़ेगा, एक पैटर्न में आपका क्वेश्चन रहेगा वो। ठीक है, क्लोज टेस्ट में आप 10 मार्क्स ला सकते हो। अगर 10 नहीं लाते हो, 6-7 भी लाते हो तो बहुत है। ठीक है, कट ऑफ आपको ये पार करवा देगा, 6 और 7 भी अगर ला देते हो क्लोज टेस्ट में तो बहुत है। माइंड में हमेशा ये बना के रखो कि पहले हमको कट ऑफ पार करना है, उसके बाद अगर हम और बढ़िया कर सकते हैं इंग्लिश में तो और बढ़िया करो। ठीक है, क्लोज टेस्ट के बाद आरसी, आरसी आप एक बार गो थ्रू कर जाओ, मतलब स्कीम कर लो कि क्या टॉपिक है, क्या क्वेश्चंस है। अगर आप पूरा आरसी पढ़ोगे तो आपको 10 से 15 मिनट लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद भी अगर आपसे क्वेश्चन होगा कि नहीं होगा वो मुश्किल वाला बात है। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि इसका एंटोनेम सिनोनेम ये कर लो, ये आप बिना बिना पूरा आरसी पढ़े भी एंटोनिम सिनोनिम ये 4 मार्क्स का आता है, ये कर जाओगे, ये कर लेना। ये माइंड में हमेशा रखना, 25 से 30 मिनट से ज़्यादा हमको इंग्लिश में नहीं देना है। ठीक है, अगर आपका इंग्लिश बढ़िया है तो और दो, लेकिन मैं जहाँ तक बोलता हूँ इंग्लिश में आप 25 से 30 मिनट से ज़्यादा मत दो, आरसी आप कर लो। इसमें तो ये 4 मार्क्स वाले एंटो सिनोनिम आप कर लोगे। ठीक है, हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट आपको नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन टच करोगे और आपको मन में डर रहेगा, इंग्लिश में क्या होता है कि आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन मैं सही कर रहा हूँ, लेकिन जब तक आप 100% ना हो मत करो क्वेश्चन, क्योंकि अगर आपका एक्यूरेसी मेंटेन नहीं होगा, 60% क्वेश्चन ही आप करो पूरे पेपर का, लेकिन विथ एक्यूरेसी करो, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। ठीक है, सिलेक्शन आपका ज़रूर होगा, मगप मत करो क्वेश्चन को इधर से उधर। फिलर्स अगर आपको आते हैं एग्जाम में, देखो इंग्लिश का कुछ बोला नहीं जा सकता क्या देगा नहीं देगा, लेकिन ये सब कुछ श्योर शॉट है कि ये तो फिलर्स, आरसी, क्लोज टेस्ट, एरर डिटेक्शन, इतना पार्ट तो रहेगा आपसे। फिलर्स अगर आपका डबल फिलर आता है तो ज़्यादा आसान होता है सिंगल फिलर से। डबल फिलर में अगर एक वर्ड आपसे नहीं पकड़ा रहा तो अगर उसके साथ जो दूसरा वर्ड है अगर वो पकड़ा रहा तब भी आप आंसर करो, ठीक है, वो भी आपका सही होगा। अगर आपको फर्स्ट वर्ड में कन्फ्यूज़ होने रहा है चाहे सेकंड वर्ड में, तो जो एक और वर्ड है उससे आप क्लियर कर लो। ठीक है, ठीक है, एक फर्स्ट वर्ड से अगर नहीं हो रहा तो सेकंड से करो, सेकंड से नहीं हो रहा तो फर्स्ट वर्ड से करो, आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में आप 25 से 30, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, 25 से 30 मिनट से आप ज़्यादा मत दो इंग्लिश में। ठीक है, एरर डिटेक्शन अगर आपका स्ट्रांग हो तब आप करो। एरर डिटेक्शन में आप सबसे पहले चेक करो इसमें वर्ब से रिलेटेड तो एरर नहीं, सबसे पहले अगर चेक करना हो आपको तो वर्ब से रिलेटेड करो, फिर टेंस चेक करो। ठीक है, टेंस कर लेने के बाद अगर आपको टेंस में भी नहीं पकड़ा रहा है तो प्रपोजिशन चेक करो। ठीक है, अब आते हैं हम लोग रीजनिंग पे।
रीजनिंग में देखो, करने का अगर बंदा से पूछा जाए वो कितना क्वेश्चन करेगा तो वो सारा का सारा क्वेश्चन कर जाएगा। रीजनिंग ऐसा पार्टी है, आप सारा का सारा क्वेश्चन कर जाओगे। लेकिन आपको टाइम कितना देना चाहिए, अगर इसमें टाइम देने की बात किया जाए तो आप 35 से 40 मिनट इसमें दो, ठीक है, इससे ज़्यादा मत दो। अगर आपका मैथ्स स्ट्रांग पॉइंट है तो रीजनिंग में 35 से 40 मिनट से ज़्यादा मत दो आप, ठीक है। और अगर आपका मैथ वीक है तो आप रीजनिंग में दे सकते हो, आप 45 से 50 मिनट भी दे सकते हो, ठीक है। ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल पे है और आपका प्रिपरेशन क्या हुआ है, क्योंकि आपसे बढ़िया आपका प्रिपरेशन कितना हुआ है वो कोई नहीं जान सकता। आप एग्ज़ाम हॉल में बैठते हो और बोलते हो, भगवान का नाम लेते हो, चाहे जिसका जैसा जो भी भगवान हो उनका वो नाम लेते हैं। अगर आप मन में सोचो कि आपको कोई दूसरा हेल्प कर देगा तो ऐसा कुछ नहीं है, आदमी अपना भगवान खुद है। अगर वो मन में प्रिपरेशन किया है, उसका सारा कुछ सही है तो अच्छा स्कोर करेगा, ठीक है। ये बात आप मन में रख लो कि आपको कोई दूसरा हेल्प करने वाला नहीं है, आप जहाँ तक हो आप वहीं तक रहोगे। आपको आगे बढ़ना है आप ही आगे बढ़ सकते हो, दूसरा आपको फोर्स कर सकता है, आपको आगे बढ़ा नहीं सकता ज़बरदस्ती, ठीक है। रीजनिंग में आप क्या कर सकते हो, पजल, पजल आजकल ब्लड रिलेशन वाले आते हैं वो आप से एग्ज़ाम में, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं हो पाएगा एग्ज़ाम में। वो देता है एग्ज़ाम में क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन वो पजल एग्ज़ाम हॉल में बनाने लायक नहीं है, ठीक है। आप उसको स्किप कर सकते हो, ब्लड रिलेशन वाले, ठीक है, बनेगा आपसे क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि ब्लड रिलेशन वाले पजल आपसे नहीं बनेगा, आप घर में आके बनाओ आपसे बनेगा, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा आएगा तो टाइम आपको लैप्स नहीं करना। उसके बाद पजल अगर आती है वो जो स्टेयर्स वाली आती है ये वाली, ठीक है, जो रो वाइज रहते हैं, ये आप कर लोगे, ठीक है। आप इसको करो, किसी भी पजल में 5 से 6 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं देना है। अगर आप इससे ज़्यादा दे रहे हो तो आप मतलब लैप्स कर रहे हो, और बनेगा कि नहीं बनेगा वो भी एक बात हो जाता है। बहुत ज़्यादा टाइम देने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। उससे बढ़िया क्या, जो फिक्स्ड क्वेश्चन अच्छा आता है, जैसे 5 चैप का सलॉग से क्वेश्चन आता है वो आप खोज लो कर लो, 5 इनइक्वलिटी आती है वो आप कर लो, ठीक है, 2-3 डायरेक्शन से क्वेश्चन आते हैं वो आप कर लो, ठीक है। पजल में जो सिटिंग अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चन आती है वो आप करो, लेकिन जो ब्लड रिलेशन बेस्ड आती है वो मत करो। एक कैलेंडर बेस्ड आती है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल वाला, 31 डेज 30 डेज, ये वाला डुएबल होता है, ये आप कर लोगे एग्ज़ाम में, इसको आप करो, ठीक है। कुल मिलाकर 35 से 40 मिनट आपको देना है, ठीक है। और मैथ्स अब आते हैं, हर जगह एग्ज़ाम में एक ही बात है कि आपको ईगो अपना शो नहीं करना है। ईगो आप जहाँ शो करोगे तो आप अपना ही खराब करोगे, मार्क्स अपना टाइम खराब करोगे और मार्क्स तो जाएगा ही। मैथ्स में आप जितना टाइम दे सकते हो, क्योंकि मैथ्स ऐसा है कि अगर आपसे बनेगा तो बन जाएगा, और उसमें टाइम स्पेंड करने से कोई फायदा नहीं है। इसमें आप 55 से 60 मिनट दे दो, ठीक है। आप अपना देख लो कि आपका क्या लेवल है मैथ्स में, ठीक है। मैं अगर एग्ज़ाम देता तो मैथ्स में मैं ज़्यादा स्कोर कर सकता हूँ, इसलिए मैं मैथ्स में 55 से 60 मिनट दूंगा, ठीक है। इसमें आप जो बेसिक कैलकुलेशंस वाली क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन के 5 क्वेश्चन आएंगे, और ये बंच में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इसको आपको कर लेना है, 5 क्वेश्चन कर लेना है। उसके बाद क्वाड्रेटिक, ये भी 5 क्वेश्चन आएंगे, आप 2 मिनट में कर जाओगे। डीआई देखो, इसमें 3 डीआई आएगी, इसमें से एक बहुत ही आसान रहेगा वो आप तुरंत कर लो, जो दूसरा है वो एवरेज रहेगा, तीसरा अगर आपको लगता है कि आपसे हो जाएगा तो करो,
ये तो आप स्किप करो, दो DI तो आप मान के ही चलो कि आपको करना है, 10 क्वेश्चन यहाँ से आप कर लोगे। उसके बाद नंबर सीरीज, नंबर सीरीज आप 5 करो, अगर 5 में से आपका 3 भी हो जा रहा है तो ये बढ़िया है। ये 2 नंबर सीरीज ऐसे रहता है कि आपको ट्रिक करते हैं, ठीक है, तो आपको टाइम वहाँ पर स्पेंड नहीं करना है, आप 3 ही करो, आगे बढ़ो। आप ये मत सोचो कि अगर आप बहुत कोई जगह आप देखे हो कि आप बोलते हैं कि 2 ट्रिप में आप एग्ज़ाम दो, जैसे एक बार में जो आपसे बनता है बना लो, फिर आपसे जो जो छूट गया था वो उसको बना के बनाओ। तो अगर आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो तो आपके पास इतना टाइम नहीं रहता है कि आप फिर से वापस आके उस क्वेश्चन को करो, एक बार जो करना है वो कर देना है, ठीक है। आपको दोबारा टाइम नहीं है कि आप फिर से आके उस क्वेश्चन को देखोगे करोगे, अगर आपसे होता है तो ठीक, नहीं आता है तो आप आगे बढ़ो, क्योंकि आप आगे ऐसा ऐसा क्वेश्चन भी रहता है जो आपसे हो जाएगा, ठीक है। बहुत कोई का सेट में क्या होता है, नंबर चेंज कर लो, उसके बाद मिसलेनियस, मिसलेनियस में मैं जहाँ तक तो बोलूँगा पार्टनरशिप का आप क्वेश्चन कर लोगे, एजेस का क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे, उसके बाद SICI में जो स्ट्रांग है वो कर लोगे आप, जिसका जो भी स्ट्रांग पॉइंट है वो आप कर लोगे मिसलेनियस में, लेकिन ये इतना आपको करना ही होगा, ठीक है। इतना में भी अगर आप छोड़ते हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, अगर इतना में भी आप कुछ गलत कर रहे हो छोड़ रहे हो तो आपका नहीं होने वाला है, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट टिप्स क्या होता है, जैसे आपने एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ, फर्स्ट आपका इंग्लिश आता है, ठीक है। अगर मैं बोलूँगा कि आपको किस मतलब सब्जेक्ट के बाद किसको बनाना चाहिए, तो मैथ्स को आप सबसे पहले बनाओ, ठीक है, उसके बाद रीजनिंग बनाओ, उसके बाद इंग्लिश बनाओ, और इंग्लिश में भी RC सबसे लास्ट में बनाओ, ठीक है, RC सबसे लास्ट में, ठीक है। मैथ्स आप पहले कर लो, रीजनिंग करो, इंग्लिश लास्ट में करो, ठीक है। अब देखो और मैं क्या बोलता हूँ, मैथ्स आप कर रहे हो, फर्स्ट क्वेश्चन आपको आया, मान लो आपसे नहीं हुआ, हो सकता है नहीं हुआ, सेकंड क्वेश्चन आया ये भी आपसे नहीं हुआ, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आया ये भी आपसे नहीं हुआ। अब आप माइंड में फ्रस्ट्रेशन होने लगता है कि मुझसे 3 क्वेश्चन नहीं हुआ, अब बार बार टाइम भी देखते हो और फिर ये 3 क्वेश्चन भी देखते हो कि मुझसे नहीं हुआ। बहुत कोई क्या करते, ईगो में जाके फिर से इसको बनाता है कि मुझसे 3 में से कैसे नहीं बनेगा, ये रॉन्ग अप्रोच है, ठीक है। राइट अप्रोच क्या है, 3 क्वेश्चन आपसे नहीं बना तो आप एग्ज़ाम पेपर के जो 50 क्वेश्चन है आप 50 नंबर क्वेश्चन खोलो, ये आसान रहेगा, अगर इधर हार्ड आया है स्टार्ट में, ठीक है, ये 50 नंबर आप क्वेश्चन खोलो, लास्ट क्वेश्चन, गारंटेड मैं बोलता हूँ कि आपसे ये क्वेश्चन होगा, आपका कॉन्फिडेंस फिर बूस्ट होगा, ठीक है। फिर 49 करो, ये भी आपसे होगा, ठीक है। अब आप सीक्वेंस में पीछे से ही बनाओ, आपसे सारा क्वेश्चन बनते जाएगा। होता है एग्ज़ाम पेपर ऐसा सेट होता है कि शुरू में टफ क्वेश्चंस किसी सेट में आ जाते हैं और किसी में लास्ट में टफ आते हैं, ठीक है। बहुत सारा एग्ज़ाम्स में इसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग से ही मिसलेनियस हो दे देते हैं, ठीक है, तो आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है कि मुझसे नहीं हो रहा है, मिसलेनियस आ रहा है, आप पूरा क्वेश्चन तो देखो, उसमें आप जो जो क्वेश्चन आपको आता है वो सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो आपको आता है, ठीक है। आपको इधर उधर फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है कि फर्स्ट नहीं हुआ, सेकंड नहीं हुआ, थर्ड नहीं हुआ। आप 50 खोलो, 49 नंबर क्वेश्चन खोलो, 48 खोलो, आपसे सब होगा। मैथ्स में ऐसा होता है, रीजनिंग में क्या होता है, रीजनिंग में बहुत कोई को क्या रहता है, सबसे पहले वो खोजते हैं पजल कहाँ गया, वो 5 मार्क्स हो जाएगा। मैं बोलता हूँ कि आप सबसे पहले रीजनिंग में सेलॉक्स खोजो, खोजना क्या, आप क्वेश्चन नंबर 1 से देखो, अगर आपसे हुआ तो ठीक, नहीं हुआ आगे बढ़ो। अगर आपका बहुत 3-4 क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि नहीं हो रहा है हमसे, तो आप लास्ट में जाओ, ठीक है, लास्ट में गारंटेड आपका क्वेश्चन इजी आएगा, ठीक है, आप उसको करो। और
अभी भी आपके पास 4 दिन का समय है। 4 दिन क्या करोगे? और जहाँ तक मेरा बात है, आप एडमिट कार्ड ये सब तो सारे को ने डाउनलोड कर ही लिया होगा, प्रिंट आउट ले ही लो। बाकी जो नॉर्मल होना चाहिए वो सारा कुछ कर लो। नैप बहुत ज़रूरी है आपका। जितना सोओगे, सोओगे मतलब ऐसा नहीं कि आप कुछ करो नहीं और सो जाओ, वो लॉस है आपका। आपको जितना डेली रूटीन का वर्क है वो आप करो और फिर बढ़िया से सो, ठीक है? स्किप करने के क्वेश्चन को आदत डालो, ठीक है? बहुत सारे क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं, उसको आप स्किप करने की कोशिश करो, ठीक है? हर क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, 100% आपको करना नहीं है। अपने से आप खुद वाइज रहो कि मुझसे कौन सा क्वेश्चन बनेगा कौन सा नहीं बनेगा, ठीक है? ये 4 दिन जो आपको बचा है मैं इस पे बात कर रहा था। 4 डेज है अभी। फर्स्ट डे में आप क्या करो, 2017 के ये आप करके देखो, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। आपको लग रहा होगा कि ऐसे ही बोला जा रहा है, हेल्प होगा नहीं होगा, आप करके देखो, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। SBI का क्वेश्चन बना लो 2017 का, जो इस साल आया है, IBPS का और RRB का। मेंस का मत बनाओ, मेंस में कैसलेट DI आ जाती है। DI भी फिर जो नॉर्मल वाली DI होती है वो भी थोड़ी टफ होने लगती है। आप इनका प्री का ही क्वेश्चन बनाओ 2017 का। ये आप जैसे कल से शुरू करोगे, 26 तारीख को ये करो, फिर 27 को क्या करोगे? आपने 2017 क्वेश्चन तो कर लिया, एक लेवल आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, मतलब 25% बूस्ट हो गया। अब 2016 में ये आपको 3 सेट हुआ, मतलब आप दिन भर में 3 सेट बना रहे हो, 300 क्वेश्चन कर रहे हो। 2016 में आपको क्या करना है, सबसे पहले आप IBPS SO का जो पेपर है 2016 का, अगर आपको अवेलेबल हो जाता है तो आप करो, नहीं तो मैंने क्वांट्स का तो मैंने कवर कर दिया है। क्वांट्स का पूरा क्वेश्चन मैंने दे दिया है, मुझे जितना मिला, ठीक है, वो आप कर लो। फिर SBI PO का भी कर लो और IBPS का, और आपको अगर टाइम मिलता है तो आप RRB का भी कर सकते हो, ठीक है? लेकिन ये 3 तो आप कर ही डालो 2016 का, ठीक है? अब 28 को आप क्या करोगे? 16 का हो गया, अगर आपके पास 15 क्वेश्चन मिलता है तो ठीक, अगर नहीं मिलता है IBPS SO का भी, IBPS SO का तो मैंने स्पेशली आपको प्रोवाइड किया है, आप चैनल पे देख लो, प्लेलिस्ट में आपको IBPS SO 2017 का जो प्लेलिस्ट है उसमें IBPS SO के सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। जितना भी क्वेश्चन मुझे मिला है 2016 का भी, 15 का भी, 14 का भी, कुछ कुछ क्वेश्चंस मैंने दिया है। IBPS SO 2015 का तो आप कर ही लो। SBI का आप नहीं भी करोगे तो चलेगा, IBPS PO का भी आप नहीं करोगे तो चलेगा, लेकिन आपने जो 26 तारीख को किया था SBI का 2017 वाला, ये वाला और ये वाला, इसको आप फिर से बनाओ, आपका कॉन्सेप्ट दोबारा रिफ्रेश होगा, आप उसको करो, ठीक है? आप SBI 2017 वाली क्वेश्चन बनाओ और IBPS 2017 वाली क्वेश्चन बनाओ, ठीक है? ये आपको इजली इजली अवेलेबल हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो आप बोलो तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। 29 को क्या करना है, 29 को कुछ नहीं करना है, आपका ये पूरा रिलैक्स डे हो जाएगा, ठीक है? अगर आपको फिर भी मन में अगर लगता है कि लास्ट दिन में क्या पढ़ूँ क्या पढ़ूँ, तो आप जो भी बुक फॉलो करते हो, बुक्स पढ़ते हो, ऑनलाइन पढ़ते हो, जिससे ही पढ़ते हो, आपका नोट्स तो होगा, आप उसका बस एक एक पेज आप पलट दो, देखते चलो क्या क्या है क्या क्या है क्या क्या है, आप उसको एक बार गो थ्रू कर लो। आपको पढ़ना नहीं है कि ये क्वेश्चन बनाना है मुझे, बस आप देख लो क्या क्या है, आपका माइंड में सारा कुछ दोबारा से प्रिंट हो जाएगा। ये टॉपर्स का आइडिया ऐसे होता है, आपके माइंड में सारा कुछ दोबारा से प्रिंट हो जाएगा, क्या क्या मैंने किया है, क्या क्या मुझे आता है, क्या क्या नहीं आता है, ठीक है? उसके बाद आप
मन में ही लिस्ट बना लो कि ना किसी को बोलना है कि मैं ये क्वेश्चन करूंगा नहीं करूंगा एग्जाम हॉल में, आप मन में ही लिस्ट बना लो ये क्वेश्चन मुझे आता है, कुछ कुछ क्वेश्चन में आप 100% श्योर हो कि मैं कर लूँगा, उसका आप मन में अलग ही लिस्ट बना लो, और जो नहीं होता आपसे उसका आप अलग लिस्ट बना लो, वो किसी को बोलना नहीं है, कुछ नहीं करना है। बोलने से क्या होगा कि आप किसी को अगर बोलते हो तो कुछ बंदे होते हैं जो आपको मोटिवेट करें, कुछ डिमोटिवेट भी कर देंगे, जा तुमसे ये वाला क्वेश्चन नहीं होता है, हमसे तो ये वाला हो जाता है, तो अब वहाँ पर आपको निगेटिव थाट आने लगती है। इसलिए आप मन में सारा कुछ करो, मन में ही आप अपना लिस्ट बना लो क्या है नहीं है, ठीक है। और 30 को आपका एग्ज़ाम है, एडमिट कार्ड ये सब आप 29 को निकाल लो आराम से, अगर आपको इधर भी निकालना है जिससे निकाल लिया ठीक है, वो सब तो बात की बात है, आप कर लो, वो सब तो करते ही हो गया, सब बोलने की बात नहीं है। लेकिन ये 3 दिन में आपको इतना क्वेश्चन कर लो, इतना क्वेश्चन का आप मतलब समझ रहे हो, ये 3 सेट आपको एक शिफ्ट का भी अगर क्वेश्चन मिलता है तो बहुत है, ये 3 हो गया, ये 4 3 7 हो गया, ये आपने रिविज़न किया, ये वाला एक नया किया, ठीक है। मैंने 2014 का भी कुछ क्वेश्चंस दिया है, वो भी आप कर सकते हो, लेकिन इतना तो आप कर ही लो, ठीक है। फिर देखो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। सिलेक्शन का अगर कट ऑफ का बात किया जाए तो इंग्लिश में आप मान के चलो कि आपका 17 से 18 मार्क्स जा सकता है, लेकिन अगर कट ऑफ की बात की जाए तो 13 से 14 नंबर ही जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाने वाला है। 13 से 14 नंबर नहीं, 13 से 14 मार्क्स मतलब क्वेश्चन को सही करने होंगे। रीजनिंग की अगर बात की जाए तो रीजनिंग में आपको 50 के पेपर है तो कम से कम 25 से 26 तो आपका कट ऑफ जाएगा, ठीक है। और मैथ्स में भी 25 से 26 जाएगा, लेकिन आपको अगर बढ़िया स्कोर करना है, अगर आपको कट ऑफ लेवल में नहीं रहना है, उससे ऊपर उठना है, तो आप इंग्लिश में कम से कम 20 मार्क्स तो लाओ, सॉरी 20 मार्क्स नहीं, 20 क्वेश्चन तो आप एकदम सही करके आओ, ठीक है। रीजनिंग में, रीजनिंग में आप 50 में कम से कम 35, अगर आपने पजल छोड़ भी दिया, 2 पजल छोड़ा, दो क्या है, मैं तो 35 मार्क्स बोल रहा हूँ, तो आपने 3 पजल छोड़ा है, 35 क्वेश्चन आप कर जाओ। अब मैथ्स में मिसलेनियस छोड़ के और एक जो टफ वाली DI छोड़ के आपको और कोई क्वेश्चन छोड़ना ही नहीं होगा इसमें, ठीक है। उसके बाद भी अगर आप 35 नंबर ला लेते हो, 35 क्वेश्चन कर लेते हो, अगर ओवरऑल बोला जाए तो अगर आप 35 35 70 हो, ये 90, अगर आप 85 से 90 क्वेश्चन सही करते हो तो आपका सिलेक्शन श्योर है, ठीक है। मैं पिछला रिकॉर्ड देख के ये सब बातें कर रहा हूँ, ठीक है। और ज़्यादा कुछ डिफर नहीं होता, ये मत बोलो कि वैकेंसीज कम आई है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर कम आई है तो सबके लिए कम आई है ना, आपके इकलौते के लिए तो कम नहीं आई है, ठीक है। सामने वाला आपसे तेज है कमज़ोर है ये भी आपको पता नहीं है, बस आप अपना बेस्ट दे सकते हो और उसको दो, ठीक है। ये वीडियो सीरीज़ आपको कैसा लग रहा है, ये वीडियो आपको कैसा लगा, स्पेशली ये वीडियो, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, और अगर आपको अच्छा ना लगा हो ये तो डिसलाइक करो, और डिसलाइक जब करो तो एक कमेंट भी दिया करो कि आपको डिसलाइक क्यों करना है, ठीक है। और ये चैनल वर्ल्ड गैलरी नाम से है, आप इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। आगे मैं, आप प्री क्वालिफाई करो मेंस के लिए, मैं पूरा आपको नोट्स दूंगा, ठीक है। आप चैनल के साथ बने रहो, आपका सारा कुछ IBPS SO के लिए मैं अभी सारा कुछ आपको प्रोवाइड करूंगा, और जैसे ही SO का एग्ज़ाम ख़त्म होगा फिर मैं SBI पे आ जाऊंगा, ठीक है। SSC में अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, जब टाइम होगा वैसा तो बात किया जाएगा, ठीक है। अभी आप IBPS SO पे पूरा फोकस करो, 4 दिन है आपके पास, 4 दिन अपना मेहनत करो, जितना मैंने बोला वो सारे कुछ कर लो, 2017 का 16 का, ठीक है। सिलेक्शन आपका ज़रूर होगा, ठीक है। थैंक यू ऑल।